अरे माँ कसम भाई, ये सारी भीड़ इकट्ठा करके चंदा मांगने आए क्या हमसे? जमीन को बेचने से रोकने के लिए किसने केस फाइल किया? मेरे पापा ने पेपर दिया, चाचू ने पेन दिया और मैंने लिखा, क्या करेगा वो दड़ियल? अरे मरवाए, वो जमीन हमारी है। जमीन को बिकवाने और ठेका बंद कराने वाले तुम कौन होते हो? मैंने बड़ी मुश्किल से रोज के 125 रुपए बचाकर वो जमीन खरीदी थी। ये केस क्यों डाला तुमने बता? रोज का 125 बचा के कुछ तो गड़बड़ है। ए बुढ़िया, बोलना क्या है और बोल क्या रही हो? अरे छोटे, अब मैं समझा। अरे दिन के 125 कमाने वाले, देखो तुम्हारा सुपरवाइजर आ गया, पकड़ो पकड़ो उसको। देख लिया, पैसा दे के भीड़ जमा करते हैं चिंदी लोग। अरे देख क्या रहे हो, पकड़ो इन्हें और लुंगी निकाल के मारो। हाँ भाई, अब तेरा जलवा दिखाने का टाइम आ गया है, तो बेटा हम बिना टिकट के मस्त फाइटिंग वाला शो देखेंगे। अरे माइक दे भाई। ए मेरे साथ मजाक नहीं कर रहा, मारो मत यार। माइक चेक, 1 2 4 1 2 4। हाँ तो मंदिर का फेस्टिवल खत्म होते ही हम आपके लिए लेके आए हैं संडे स्पेशल शो। तो ये शो देखने के लिए भीड़ जमा ना करें, साइड पे खड़े रहें और मजे से देखें और मजे से देखें और मजे से देखें और मजे से देखें। आपके पीछे कुछ आ रहे? आजा आजा मार खाजा खाजा। ये दिया वो दिया। इसी के साथ झिंगुर को उठा के पटक दिया और ये पीठ पे लात मार दी है। लेकिन ये गुंडे वाकई लातों के भूत हैं, इन्हें लातों से नहीं मुक्कों से समझाना पड़ेगा। तो भाई और बहनों हमारे साथ मुकरी साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? मुकरी साहब, अरे अपनी लड़ाई साइड में करो ना, आने जाने वालों को रास्ता दो। अरे आप जाइए, रास्ता खुला है। अरे गुंडे झड़े हुए पत्ते के माफिक बिखर रहे हैं। ये लड़ाई देखते हुए लग रहा है कि अब इसका दी एंड आने वाला है। तुम पैसा ना भी कमाओ तो भी चलेगा, लेकिन तुम्हारी याद बहुत आती है, जल्दी आओ ना। छुट्टी के लिए अर्जी दे दी है, जल्दी आ जाऊंगा। डिलीवरी के वक्त तुम मेरे साथ में ही रहना, ठीक है जानू? बेटा तू कैसा है? दादाजी मैं बढ़िया हूँ। अरे रे क्या हो गया? हम सब गाड़ी से आ रहे थे, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और बहुत चोट लग गई। जाओ वो मालिश वाला तेल लेकर आ। लोगों को क्या हो गया जानू? एक एक कर आ जाओ। अरे कुछ नहीं, इनकी वैन पलट गई जिसकी वजह से। ये तो गिरने का घाव नहीं लग रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है किसी ने जोर से मरोड़ दिया है। अरे वाह चाचा, ये तो यहाँ भी आ गए। ये मेरा पोता और शिष्य भी है, आप लोग बैठ जाओ। छोटू आ जाओ। दादा इसी ने हमें पीटा। इसी ने हमें पीटा। पहले ही लोग बोलते हैं कि तुम मेरे पास मरीज भेजते रहते हो, अब इसके लिए पिटाई करने की क्या जरूरत है? कब सुधरोगे? बैठो सब, चलो बैठो। लोग ज्यादा हैं, तुम एक काम करो इनको तेल लगाओ। ये नहीं, आप ही हमारा इलाज करेंगे। अरे ये मेरा शिष्य है, टकाटक है इसका काम, बेफिक्र रहो। आ जाओ, उठ ना। कैसे कैसे मारा था? अच्छा खासा मरो। अरे अरे रुक रुक, अभी से क्यों चिल्ला रहा? मैंने तो कुछ किया भी नहीं। तुम इतना चिल्लाओगे तो मुझे डर लगेगा। अब अपना हाथ उठा के देख, इसका तो हो गया। अगला कौन है? आजा। ऐसा लग रहा बाइक पे बैठ के फोन पे बात कर रहा है। इसको कैसे मारा? अरे बेटा आराम से। हो गया सर जा, चल हो गया तेरा, निकल। अबे घूर क्या रहा है बे? चल तो जा रहा है। सुनने में आया है कि सीके पीके की शादी किसी और से हो रही, तुलसी से नहीं। रिश्तों की आजकल अहमियत ही नहीं है। ये सारे मामा तो कंस निकले, पता नहीं माँ क्या कहेगी। हमने उस पर विश्वास किया, पर हमें थोड़ी पता था वो पुलिस वाला हमें ऐसे धोखा देगा। मैं तो कहता हूँ अच्छा हुआ अपनी तुलसी उस ठुल्ले से बच गई। कैसे? अरे एक नंबर का कार्टून है, सोचिए जब घर पे आएगा तो आपसे बात कैसे करेगा। आंटी कैसे हो तुम लोग सब? साले साहब, अरे बाप रे, भूत ने अभी उसकी हंसी सुन के डर जाए। तुलसी खाने में क्या बनाया है? हंस मत, सुबह शाम उसके हंसी की रिंगटोन सुननी पड़ेगी। उसका भाई सीके है ना, वो फिर भी अच्छा है। आंटी
कैसी तबीयत है? सब ठीक ना तुलसी? खाना खा के पिक्चर देखोगी या पिक्चर देख के खाओगी? सी के इसके लिए बिल्कुल सही है। कुछ भी बोलता है, अगर दूसरे बेटे ने भी धोखा दे दिया तो? अरे मुझ पर तो भरोसा रखना माँ, इस तुलसी को पार्सल करने की जिम्मेदारी मेरी है। हम सब पीके की शादी में खुले दिल से जाएंगे, ठीक है? मुस्कुराते हुए, सही गाना भाई? तीन चार बार दांत घसने के बाद। तैयारी तो बड़ी शानदार की है। आजकल शादी दिखावे के लिए ही तो की जाती है, वरना फेरे तो मंदिर में भी लिए जा सकते हैं। दामाद जी। हाँ ससुर जी। शादी का माहौल लग तो रहा है, चखना वखना है ना? पनीर के साथ सिंचन है क्यों? और वो विशेष आइटम है, एक बाटली विश है, जाकर पी लो। मंगाऊ क्या? नमस्ते आंटी, कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? कैसी हैं आंटी जी? ठीक हूँ। तुलसी, अच्छा। तुलसी कहाँ थी? हाँ बस ऐसे ही थोड़ा। भाई कहाँ है? शायद अंदर होंगे। अच्छा चल आंटी, ठीक है। थोड़ा सा भाव क्या दे दिया, तुम तो लेट आना शुरू हो गए। अब फैमिली का एक मेंबर लेट हो जाए तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना पार्टनर? क्या मैं जो बोल रही हूँ उसका तुम गलत मतलब क्यों निकाल रहे हो? जब एक छत के नीचे रहेंगे तो सब समझ जाओगे। क्या मतलब? हाँ पापा मैं आ रहा हूँ। चंद्रू ये लड़का तुम्हें कैसा लगा? ठीक लग रहा है। क्यों? वो तुलसी के लिए। और मेरे भाई का क्या? कौन? सीखे वो धोखा नहीं देगा, इसकी क्या गारंटी है पार्टनर? चंद्रिका थोड़ी होता। क्या तुम अरुण से बातें कर रही हो? उधर पापा तुम्हें ढूंढ रहे हैं, आ जाओ। ले जाओ इसे, हम तो फालतू है ना। मैं भी अपनी शादी में ना येलो कलर की साड़ी पहनना चाहती हूँ। अरे मैं तो बनारस जाके तुम्हारे लिए बनारसी साड़ी लेकर आऊंगा, समझी? मैं तो इन लोगों से बात कर रही थी, तो तुम क्यों जवाब दे रहे हो? मैं हाँ सारे मेहमानों का ख्याल रखा है, वेज नॉन वेज सब खिला दिया है। शादी हो रही है, शादी की बातें भी हो रही है, सब काम एक साथ। हाँ सारे काम एक ही साथ। लगता है तुम लोगों से मिलने के बाद मेरा कलेक्टर बनने का सपना तो गया। जमीन पर रहो, हवा में मत उड़ो, फिर कलेक्टर बनने का सपना सच हो जाएगा। नहीं नहीं सही बोला ना। हाँ ओके भैया। आज के बाद दुल्हन कभी नहीं हंसेगी। दुल्हन तो मुझे कुछ ज्यादा ही सीधी लग रही है। देखो मैं तो अपनी शादी में पक्का हाई हील पहनने वाली हूँ, ताकि मैं लंबी हो जाऊँ और मेरा सर न झुके। अगर उसे मेरे पास आना है तो उसे झुकना पड़ेगा। सही है पार्टनर, मैं भी ऐसी ही बीवी चाहता हूँ जो अपना और मेरा दोनों का सर ऊंचा रखे। हेलो मैं तुम्हारी बातें कर रही हूँ, ज्यादा उड़ो मत। लेकिन मैं तो तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा हूँ, कुछ गलत किया पार्टनर? कुछ भी गलत नहीं किया पार्टनर। लो भगवान के रूप ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया। पूरा अपने बाप पे गया है। गलती से भी इनकी तरह मत बनना। कम से कम मेरे बच्चे के सामने तो ऐसी बात मत कर। ठीक है तो तुम्हारे साथ घर घर खेलता हूँ, डॉक्टर डॉक्टर तो खेल नहीं सकता हूँ ना। एक मिनट सुनो ना, वो मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। तुम्हें कौन सा फ्रूट खाने में अच्छा लगता है? मेरी माँ और बहन इसी तरफ देख रहे हैं, बाद में बात करते हैं। माँ आओ ना। हाँ बस अभी आया, ये बातें हम बाद में करेंगे ठीक है? रुको, तुम्हारे लिए कौन इम्पोर्टेंट है, मैं या तुम्हारी माँ? बेशक मेरी माँ। और मेरा क्या? बेटा आ भी जाओ। माँ बस एक मिनट में आया। लगता है उसका टेस्ट ले रही है, इसीलिए थोड़ा सा घबरा रहा है। वैसे तुम पूछना क्या चाहती हो, मैं कुछ समझा नहीं। तुम मेरा ख्याल रखोगे या नहीं? भाई तुम इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, चलो जल्दी, देर हो रही है। अरे हाँ बाबा एक मिनट में आया। देखो पार्टनर, जिस तरह माँ का ख्याल रखता हूँ वैसे ही तुम्हारा भी रखूंगा। तुम्हें मेरा ख्याल ऐसे रखना होगा जैसे तुम अपनी रानी बेटी का रखोगे। अगर तुम मेरी ये शर्त मानने को तैयार हो जाओ तो मैं शादी कर लूंगी। तो बताओ पार्टनर, मंजूर है? पापा मुझे माफ कर दो ना पापा। भागने का पूरा प्लानिंग था। प्लीज माफ कर दो। अपने भाई को बोल कि यहाँ से चला जाए, मैं तुझे कभी आशीर्वाद नहीं दूंगा। पापा प्लीज पापा। जिसका डर था वही हुआ, दूसरे बेटे ने भी धोखा दे दिया। सुन तुलसी, तुझसे एक बात कहनी है, ना सुन के बुरा मानना ना जाके माँ के कान भरना, समझी? बोलो ना। मामा जी ने मुँह पे साफ साफ कह दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए पर वो अपने किसी भी बेटे की शादी तुझसे तो बिल्कुल भी नहीं करवाएंगे। अब ये बात मैं माँ से कैसे कहता, इसलिए मैं दूसरे लड़के ढूंढने लगा और बाप रे क्या जोक सुना है यार, चप्पल लेके भाग गया। बहुत अच्छा था। तुम कमाल हो। हे भाई, माँ ने मेरी बात सुनी होगी क्या? ठीक है जाके पूछ के आता हूँ। अरे नहीं सुनी होगी भाई, माँ ने सारी बातें सुन ली होंगी। अरे आप बताइए सुनी होगी ना? नहीं सुनी होगी। और सुन भी लेंगी तो क्या है? सही कहा बाबा,
आपको पता है ना वो गुस्से में अपने भाइयों से बात करना छोड़ देंगी। हाँ सही कहा तुमने, ऐसा कर सकती है। भाई सुनो ना, मैंने जो कुछ बोला था वो वापस से बोलता हूँ, तुम जाके माँ की तरह एंट्री मारो ना और देखो कुछ सुनाई देता है क्या। ये क्या नौटंकी है? मेरे भाई बहुत जरूरी है, सुन लिया होगा तो उस हिसाब से आगे नाटक करूंगा। अगर पिक्चर में काम कर लेता तो अच्छे खासे पैसे कमा लेता। बाबा रेडी एक्शन। मामा जी ने मुंह पे साफ साफ कह दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए पर वो अपने किसी भी बेटे की शादी तुझसे तो बिल्कुल भी नहीं करवाएंगे। ये क्या कह रहा है बेटा? सुनाई दिया क्या? थोड़ा सुनाई दिया और थोड़ा सुनाई नहीं भी दिया। मैं कह रही हूँ ना माँ ने हर बात सुनी होगी। तू जाके माँ की एक्टिंग करना और बताना कुछ सुनाई दिया या नहीं। चल भाग यहाँ से हट। तो फिर अब किसको बोले यार? मुझे तो बख्श दो। इन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। अच्छा भाई तुम मेरी जगह बैठो और मैंने जो कुछ बोला था वही बोलना। मैं जाकर माँ की तरह एंट्री मारता हूँ, देखता हूँ कुछ सुनाई देता है क्या। एक्शन। बाबा जी डायलॉग भूल गया। एक बार और। बहुत कड़क डायरेक्टर है। एक्शन। मेरी प्यारी माँ। पहली बार तो मैंने नहीं सुना था बेटा, लेकिन दूसरी बार अच्छे से सुन लिया। फिल्म पिट गई, डायरेक्टर की आखिरी पिक्चर थी। सभी लोग मुझसे छिपाते हैं, मुझे धोखा देते हैं, पर मैंने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया। शायद इसीलिए मुझे इतने दुख देखने को मिलते हैं बेटा। माँ आपको कोई भी धोखा नहीं दे रहा है। वो पैसों से मेरी औकात तोड़ रहे हैं ना, लेकिन वो कौन होते हैं मुझे और तुम्हारी बहन को परखने वाले। माँ उसने जिससे प्यार किया उससे शादी कर ली, इसमें हम लोग क्या करें? करनी पड़ी क्योंकि वो उसके साथ भाग गया था। अरे वो सबके सब चोर और मक्कार हैं। ये ऐसे लोग हैं जो अपने बेटे के नाम पर ज्यादा से ज्यादा दहेज लेकर अपने घर की तिजोरी भरना चाहते हैं। जिनके पास कुछ नहीं उनकी कोई इज्जत नहीं। जब नोट बढ़ते हैं तो प्यार बढ़ता है, पैसे कम हुए तो प्यार भी कम। ये बात समझ लो बेटा, आजकल पैसा ही सब कुछ है। हमारे पास पैसे होते तो तुम्हारी बहन के रिश्ते को ठुकराते नहीं, पैसे के लालची हैं सब। अरे इन सब बातों पे ज्यादा ध्यान मत दो। अगर आप सुकून की नींद सोते हैं तो आप ज्यादा अमीर हैं, नहीं सो पाते तो आप बिल्कुल गरीब हैं। जो लोग संतोषी होते हैं वो हमेशा चैन की नींद सोते हैं। 100 करोड़ रखे क्या फायदा। बाबा आपने बिल्कुल सही कहा। अरे देखना माँ, अपनी बहन के लिए एक नंबर रिश्ता लेकर आऊंगा, ऐसी जोड़ी बनाऊंगा जो स्वर्ग में भी नहीं बनी होगी, जैसे फालूदे और आइसक्रीम की जोड़ी।